नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यदि आप दोस्तों घर पर बैठे बैठे बोर हो जा रहे हैं तो आज हम आपके लिए एक नाश्ता बनाने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा सबसे पहले हमारे रेसिपी को देखने के लिए। दोस्तों आपको बता दें, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं कटता है। दोस्तों आज हम जो बनाने जा रहे हैं सोयाबीन से नाश्ता। अभी तक आप सोयाबीन की सब्ज़ी खाए होंगे तो आज नाश्ता बनाना सीख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो सब्ज़ी है सोयाबीन है उसे हम पानी में भिगोएंगे। तो आपको इसे गर्म पानी में भिगोना है, ठंडे पानी में नहीं भिगोना है, क्योंकि गर्म पानी में जो सोयाबीन है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। तो हम सोयाबीन को लगभग 5 से 10 मिनट के लिए भिगोएंगे पानी में। तो हमारा सोयाबीन लगभग 5 से 10 मिनट तक भीग चुका है। आप देखिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसका हम पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। दोस्तों सोयाबीन की कई तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है, नाश्ते बनाया जाता है इसका, सूखा सब्जी बनाया जाता है। तो आज हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं, तो आप इसी तरह अगर कई रेसिपियां इसकी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो आप देखिए हमने पानी निचोड़ लिया है, अब इसे एक भगोने में डालेंगे। तब एक से दो चम्मच हम बेसन डालेंगे, तो आप यहाँ पर मैदे का भी यूज कर सकते हैं। अब हम मिर्च पाउडर डालेंगे, तो मिर्च पाउडर हम लगभग एक चम्मच डालेंगे इसमें हम। लगभग आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक को इस हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे और इसमें लगभग आधा चम्मच हम काला मिर्च जो होता है उसका पाउडर डालेंगे। इसे आप ज़रूर डालें, इससे जो इसकी टेस्ट है बहुत अच्छी होगी। इन सबको डालने के बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। तो आप इसे ऐसे ही मिक्स करें, हाथ से मिक्स ना करें इसे। तो आप देखिए 2 से 3 मिनट के बाद देखिए आपको इसी तरह मिक्स होना चाहिए आपका। अगर पानी थोड़ा कम पड़े तो आप थोड़ा अलग से डाल लें पानी इसमें हम। अब इसको हम फ्राई करेंगे तेल में। दोस्तों इसमें जो इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है तो सामान आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो सोयाबीन आपके घर पर होगा तो आप इससे अब इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, यह रेसिपी एकदम आसान है। तो अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। अब इसे अच्छी तरह फ्राई करें जब तक इसका कलर भूरा ना हो जाए। अब देखिए इसे अब इसी तरह फ्राई कीजिएगा। दोस्तों इस रेसिपी को आप ज़रूर अपनाएं, इसमें हम कम से कम सामग्री का यूज किए हैं। तो कलर हमारा देखिए एकदम भूरा कलर में आ गया है, तो हमारा जो सोयाबीन है पक चुका है। तो अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में गांव का स्पेशल डिश बनाया था, तो आप गांव के अगर होंगे तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप आई बटन पर जाकर उस रेसिपी को ज़रूर लें, देखें और वीडियो का आनंद लें। इसी तरह बाकी सभी सोयाबीन को हम फ्राई कर लेंगे। तो जो सोयाबीन है हमारा फ्राई हो चुका है, तो आप इसी तरह देखिए आपको फ्राई करना है। तो इसके लिए हम अब ग्रेवी बनाने जा रहे हैं। तो ग्रेवी जैसे नॉर्मल बनता है उसी तरह बनाना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। तो हम जीरा डाल रहे हैं तेल में और तेज़पत्ता भी डालेंगे। इसे भून ले आप तेल में थोड़ा। प्याज डालने के बाद हम प्याज को
2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे तेल में। इसकी जो ग्रेवी होती है पतली नहीं होती है, इसकी ग्रेवी मोटी होनी चाहिए। ग्रेवी में भी हम कम से कम मटेरियल यूज करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण सामान आसानी से मिल नहीं पा रहा है। कम से कम सामान में ही बनाना आपको सिखा रहे हैं हम। मिर्च डाल लीजिए, और थोड़ा सा आप इसमें मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिएगा। अब इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, और हल्का सा आप गरम मसाला डाल लीजिए। नमक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब सोयाबीन में हम सभी चीज़ मिक्स कर रहे थे तो उसमें नमक हम डाले थे, तो यहाँ पर हम अगर नमक डालते हैं तो नमक ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो नाश्ता बेकार हो जाएगा। तो अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं लगभग आधा गिलास, और इसे मिक्स कर कर 2 से 3 मिनट पका लेते हैं धीमी आंच पर एकदम। दोस्तों सोयाबीन से कई तरह के नाश्ते बनते हैं, तो हम आगे भी इसी तरह नाश्ते हम बनाते रहेंगे, तो चैनल पे आप बरकरार रहें एकदम। तो ग्रेवी हमारा पक चुका है एकदम, अब इसमें हम फ्राई किया हुआ सोयाबीन को डालेंगे और 1 से 1.5 मिनट ऐसे ही इसे मिक्स करते रहेंगे धीमी आंच पर। हमारा नाश्ता एकदम बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह रेसिपी पसंद आया होगा, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और दोस्तों में यह वीडियो ज़रूर शेयर करें।